एक कैडेट अपने मेंटोर पे कितना भरोसा कर सकता है, अपने मेंटोर के लिए वो किस हद तक अपनी डेडिकेशन प्रूफ कर सकता है, ये हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के फर्स्ट सेशन का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट, भरोसा सिर्फ एक तरफा नहीं होता, सिर्फ कैडेट्स का ही नहीं, मेंटोर का भी अपनी प्रोटेजी पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। ये है हमारे प्रोग्राम का सेकंड राउंड। इस पुली से लटकती हुई रस्सी के एक एंड पे लगा है 20 किलो का वजन। बारी बारी, टर्न बाय टर्न, हर कैडेट का मेंटर इस वजन के नीचे पोजीशन लेगा। रस्सी का दूसरा एंड होगा सुबेदार सूरी के हाथ में। जैसे ही सुबेदार सूरी रस्सी छोड़ेंगे, तेजी से 20 किलो का वजन मेंटोर पर गिरने लगेगा। आप कैडेट्स 25 फीट की दूरी पर खड़े तेजी से दौड़ेंगे और रस्सी को पकड़ने की कोशिश करेंगे और मेंटोर पर गिरते वजन को रोकेंगे। अगर किसी वजह से कैडेट समय पर रस्सी नहीं पकड़ पाता तो एक्सीडेंट से बचने के लिए मेंटोर को जगह छोड़ने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब होगा उस कैडेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो मेंटर उस कैडेट की ग्रूमिंग करना चाहेगा या नहीं, इसका फैसला इस प्रोग्राम के अगले टेस्ट में किया जाएगा। अगर किसी वजह से आप ऐसा नहीं कर पाए तो उसका हश्र क्या होगा? सूरी साहब, डेमोंस्ट्रेशन दीजिए। यस सर, कैडेट पूजा घाई और मेजर नायर। लड़कियों पे कभी ट्रस्ट नहीं करता। कैडेट सहनी और मिस सिमरन, रेडी। ध्यान में रखो, पहली ये कि अगर तुम ये कर पाए तो ग्रेट, और दूसरी अगर नहीं कर पाए तो मैं यहां से हट जाऊंगी। सो बी काम, एक लंबी सांस लो एंड कॉन्सेंट्रेट। Baig,
सुबेदार मेजर ललिता सेन। अब भी मुझसे कम जानवर होकर डाले कैडेट नैना सिंह और कैप्टन राजवीर। Let's go!
रॉन्ग विथ यू? तुम्हारा ध्यान कहां पर है? कैडेट प्लीज लर्न टू कॉन्सेंट्रेट. तुम देश की ऐसी रक्षा करोगे? यू आर डिसमिस्ड. कुछ समझ में आया कैडेट हुडा? एक मेंटोर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? कैप्टन राजवीर को कैडेट नैना पर आंख बंद करके भरोसा है और कैडेट नैना को कैप्टन राजवीर पर. क्या तुम इतना भरोसा कैडेट नैना पर कर सकते हो या फिर कैडेट नैना तुम पर? कैडेट्स, 20 मिनट का लंच ब्रेक. पोस्ट लंच क्लासरूम नंबर 2 शार्प 1400 आज को मिलेंगे. डिसमिस. ब्रेक देम मेजर, ब्रेक देम. मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरी यही स्ट्रैटेजी होगी और लास्ट सेशन तक यही स्ट्रैटेजी रहेगी मेजर. इन कैडेट्स को मैं इतना पुश करूंगा कि गीदड़ अपने आप शेरों से अलग हो जाएंगे और हम इन शेर दिल कैडेट्स को ट्रेन करके इस देश का काबिल सिपाही बनाएंगे. यू गॉट इट मेजर, परफेक्ट. फूलन हुडा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है यार, एक मिनट के लिए मेरे साथ बैठेगी? बोल. अब तक कई जनानियों से कई बार झूठ बोला है मैंने. पर तुझसे नहीं बोल सकता यार. तुझसे सच में प्यार करता हूँ. हुडा, मैं तुझे कितनी बार बता चुकी हूँ कि जानता हूँ मैं कि तू मुझसे प्यार नहीं करती है. मत कर. पर तुझे आज मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा. प्रॉमिस? व्हाट? क्या अगर तुझे कभी किसी और से प्यार हुआ तो तू मुझे जरूर बताएगी. हुडा तू ये क्या बात कर रहा है? तू जानता है ना मैंने ये एकेडमी क्यों ज्वाइन करी थी? नवीन भैया का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए और माँ बाबा और पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि उनका बेटा गद्दार नहीं था, वो शहीद है. और तुझे क्या लगता है कि इन सब के बीच में मैं प्यार कर पाऊंगी? नहीं हुडा. मतलब तू सच में किसी से प्यार नहीं करेगी? नहीं हुडा, मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर है और मैं अपने मकसद में किसी को नहीं आने दूंगी, प्यार को भी नहीं. यार फूलन, ये तो गड़बड़ होगी यार. मैंने तो मम्मी जी से शर्त लगाई थी कि मैं उन्हें बेस्ट कैडेट बन के दिखाऊंगा और मम्मी जी ने कहा था कि अगर मैंने ऐसा कर दिया वो किसी भी तरह तुझे मुझसे प्यार करवा के रहेंगी. पर तू तो यार ऐसी प्यार के पीछे तलवार लेके भागती रहती है. अच्छा तुझे कैप्टन से प्यार तो नहीं है ना? बूढ़ा तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है ना कि मैं कैप्टन राजवीर को पसंद करती हूँ. तो क्या हुआ अब? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, और सब कैडेट्स भी तो उन्हें पसंद करते हैं, वो एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल आर्मी कैप्टन है, दैट्स इट. मतलब तेरा दिल जीतने के लिए एक अच्छा कैप्टन होना जरूरी है. चल ठीक है फूलन, तेरे लिए ये भी कर देगा हुडा. तू देख कैसे हुडा तुझे इस फौज का कैप्टन बन के दिखाता है, एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल आर्मी कैप्टन. ओके, देन ऑल द बेस्ट टू यू टू. टू यू टू. और फिर सब तुझे देखकर कहेंगे कि वो जा रही है कैप्टन हुडा की मिसेज. एट ईज. सिंस एवरीबॉडी इज हियर, लेट्स बिगिन द डिस्कशन. डिस्कशन का बेस होगा कैडेट्स के फिलअप किए हुए क्वेश्चनर्स और उनके मेंटर्स के साथ उनके फर्स्ट सेशन की रिपोर्ट. कैडेट पूजा घाई,
Yes, sir. एकेडमी में आने से पहले मैंने सुना है कि तुम किसी रोहित के पीछे पागल थी। एकेडमी में आने के बाद तुम्हारी दोस्ती कैडेट बेग के साथ हुई और अब तुम उसके बहुत करीबी दोस्त हो गए। इरादा क्या है तुम्हारा कैडेट पूजा? इसी तरह किसी ना किसी के गले पड़ती रहोगी या फिर कभी अपने देश को भी गले लगाओगी? हमने किसी से कुछ नहीं कहा, देखा तोहमतें मत लगाई। It's okay, कैडेट पूजा, सोच समझकर अपना डिसीजन तुम अपने मेंटर मेजर नायर को बता सकती हो। कैडेट हुडा, सर, तुमने अपने क्वेश्चनर में लिखा है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कैडेट नैना है। यस सर। इनफैक्ट तुम उससे प्यार करते हो। ये बात खुद तुमने अपने मेंटर को बताई है। Correct me if I'm wrong, Dr. Shalini. But Major... Excuse me, Major Bhargav. एक मेंटोर और उसके कैरेट के बीच में हुई बातचीत को सबके सामने नहीं दोहराना चाहिए। कैरेट नैना और आपके बीच में क्या हुआ ये आप मुझे बताना नहीं चाहते और ना ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कैरेट नैना के साथ आप जैसा चाहें वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट प्लीज बाकी कैरेट्स को आप मुझे अपने तरीके से ट्रेन करने देंगे। उनमें बहुत सारी खामियां हैं, कमजोरियां, जिन्हें उनका सामना करना पड़ेगा और दूर भगाना पड़ेगा। आई विल नॉट टॉलरेट एनी इंटरप्शन, कैप्टन। फाइन मेजर पार्क, एज यू विश। कैडेट हुडा, इरादा क्या है तुम्हारा? किस मकसद से तुम इस एकेडमी में आए हो? आई वांट एन ऑनेस्ट आंसर, कैडेट हुडा। परेशानी सर, मुझे एक सोल्जर बनना है सर, एक अच्छा सोल्जर। उसके लिए जोश और मर्दानगी चाहिए, है तुम में? मैंने सुना है कि फ्रेशर्स बॉल में जब तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिला तो तुम खुद एक लड़की बन गए। That's cool, Major Bhargav. You know, ये मॉडर्न मैन का मॉडर्न ट्रेंड है क्योंकि वो अपनी सेक्सुअलिटी से शर्माता नहीं है, उसमें ये एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। I feel UD एक परफेक्ट सोल्जर बनेगा। कैडेट अली बेग। यस सर। कैडेट बेग, कहीं तुम अपनी फीलिंग्स से तो नहीं भाग रहे, अपने उसूलों की आड़ में खुद को तो नहीं छुपा रहे? नो सर, हमारे उसूल हमारा नकाब नहीं, हमारी ताकत। देखता है सर। डाले तुम अपना सरनेम इस्तेमाल नहीं करते क्या? होगा तो लिखेगा ना। क्यों? तुम्हारे फादर का सरनेम तो है ना? अब उनको नहीं मालूम वो कौन था। मालूम नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या फर्क पड़ता है अपन का बाप कौन था? वैसे भी सारे आदमी एक जैसे होते हैं, जानवर। तो फिर तुम क्या? तुम जानते भी हो क्या बकवास कर रहे हो बेटे? तुम्हारे फादर ने तुम्हारी माँ को बहुत सताया, बहुत नफरत करते हो तुम अपने फादर से। अगर मौका मिलता तो शायद उसे मार डालते या फिर मार चुके हो। अपनी माँ को सताने वाले से इतनी नफरत, और जिस गद्दार ने अपने देश को बेचने की कोशिश की उसकी बहन का नाम तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में रखते हो। इरादा क्या है तुम्हारा कर डाले? रिफॉर्मेशन के नाम पे जेल ने तुम्हें यहां धकेल दिया या फिर वाकई में तुम सुधरने आए हो? अपन कुछ नहीं बोलेगा सर, आपको सजा देना है तो दे दो। सजा? जिंदगी की जेल में तुम उम्र कैद की सजा काट रहे हो कैडेट, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? कैडेट नैना सिंह आलूवालिया। कैडेट नैना सिंह आलूवालिया, सॉरी
I'm very sorry, cadet. मैंने कैप्टन राजवीर को प्रॉमिस किया था कि इस डिस्कशन में मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन प्लीज आई कैनॉट रिजिस्ट. मुझे सिर्फ एक सवाल की परमिशन दो. तुम्हारे क्वेश्चनर में एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. अपने मेंटर के लिए तीनों चॉइसेस में तुमने कैप्टन राजवीर का नाम लिखा. बहुत मायने रखता है कैप्टन राजवीर तुम्हारी जिंदगी में. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.